Hallelujah. तो तेरो नाम जपता हूँ, मैं तो तेरो नाम जपता हूँ, ये सब लाल ये सब लाल ये सब लाल तू सब को पालन हारा मैं तो तेरे नाम जपता हूँ मैं तो तेरो नाम मामा बरनी नी ना मामा दबग बगरी ना मैं तो तेरो मैं तो तेरो Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba. Sani ni da ba ma ba da ma da da ba
sani ni da ba ma ba da da ba ga de ni da ba ma da 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 ba ga de da ni da ba ma da 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 ba ga de da ba ma da da ba ga ba 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 ga de da sani ni da ba ma da 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 ba ga de da ba ma da 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 ba ga de da ha bodan de ko sani da ba ma sani da ba da ga ni da sani da ba da re da sani da ba da ni ma ni da ga pa da sa ma da ba ma ba ga pa ga je ga pa da ba ga pa ni da ba ma da sani da ba ma ba da ga pa da je ga da ba ba ga re da sa ma ba da ma ba sani da ba ma ga ni da ma ba da ga re da ni da Bye.
ठीक से देखो
बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी ये बात है कि जैसे कि हम किसी बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, फर्ज कीजिए कि मेरे बेटी को ये हम सिखा रहे हैं, अगर उसको हम बताएंगे कि देखो ठाट ऐसा है, राग ऐसा है, उसका चलन ऐसा है, तो डर जाएगा। तो इंटरेस्ट उसमें पैदा करना पड़ेगा ताकि उनको रियाज में टाइम देने का इच्छा हो, क्योंकि हम जैसे गेम के तरह बनाते हैं, कुछ सरगम, कुछ ताने, कुछ पलटा, कुछ अलंकार, जैसे कि जानवरों का मूवमेंट कैसे होता है, जैसे मूवमेंट होता है हिरन कैसे चलता है, शेर कैसे चलते हैं, तो उस चलन को हम कैसे सरगम में या तान में ट्रांसफर करके उनको बताएं ताकि उनका इंटरेस्ट हो। तो बच्चों के लिए देखिए, अगर जैसे नॉर्मल बच्चा होता है कि स्कूल में भी जाते हैं, फिर स्विमिंग भी थोड़ा कर लेते हैं, फिर थोड़ा ड्राइंग भी कर लेते हैं, हर चीज़ तो इसमें नहीं हो सकता, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता है, मगर ज़्यादातर जो टाइम जो है ये सब्सिडियरी इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही इट्स ए कम्प्लीटली फुल टाइम सब्जेक्ट। तो फुल टाइम का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा, कोई बच्चा 24 घंटा नहीं दे सकता, वो थोड़ा सा खेलेगा, फिर थोड़ा घूमे आएगा, मगर फिर वो दिमाग जो है वो म्यूज़िक पे सेट किया हुआ होना चाहिए कि म्यूज़िक शुड बी द मेन थिंग that she or he can think throughout the day, कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट पैदा करने का कोशिश है। तो ये एक बहुत ही सोचने की चीज़ है आज के ज़माने के बच्चों के लिए, जहाँ कि स्टार टीवी, फिर जी टीवी, फिर एम टीवी सब आने लगे, तो उस पर भी ज़्यादातर टाइम बच्चा देते हैं, मगर टीवी इज़ वेरी डेंजरस फॉर दिस सब्जेक्ट। ये तो बहुत ही रिगरसली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उतना इंटरेस्ट बच्चों को देना पड़ेगा, हम जो सिखा, जो गुरु सिखाएंगे उनको उतना इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा ताकि कोशिश ज़्यादातर वो इसी पे लगे रहे, उतना टीवी ना देखे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे छुटपन में मैं भी खेला, मगर टाइम हमारा बंधा हुआ होता था, 4:30 बजे जाते थे तो 5:30 बजे माँ बिल्कुल माठ पर जाके खड़ी होती थी कि आओ, 5:30 बजे बैठे, फिर 8:30-9 बजे तक रियाज किया, क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ में चलता था। शुरू तो मैं 2.5 साल उम्र में किया था, मगर मास्टर डिग्री तक मैंने किया यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। फिर टेबल टेनिस भी मैं खेला, मगर म्यूज़िक को हमेशा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर हमारे बाबा माँ ने इसको इतना इम्पोर्टेंस दे के हमें बताया। तो शुरू हमारा जब हुआ था 2.5 साल उम्र में, तब मेरे पिताजी बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आ गए थे और ही हैड टू पास अ वेरी बैड डे, आई एम टॉकिंग सो फॉर द इकोनॉमिकल रिस्ट्रेंस कंसर्न, तो उनको बहुत ही तकलीफ़ उठाना पड़ा, मगर उनको दिल में ये चीज़ हमेशा था कि बेटा हमारा गाना गाएगा, क्योंकि वो भी गाते थे, मेरे माताजी भी गाती थी, अभी भी गाते हैं वो लोग, मगर अब तो उम्र हो गए। वैसे हमारे छोटे भाई जो है वो भी सितार बजाते हैं, निखिल बैनर्जी के पास उन्होंने शुरू किया था, मगर अभी गुड कंपोज़र भी वो है, वो बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, मेरी बीवी भी गाती है। तो फैमिली हमारा पूरा म्यूज़िक में इन्वॉल्व था और बाबा जो तकलीफ़ उठाया, उन्होंने वीविंग मशीन चलाते थे, तांत चलाते थे, तो तांत चला के पास में बैठा के हमें गाना गवाते थे, और तांत जो होता है हमेशा वो लय में चलता है, विदाउट रिदम यू कैन नॉट जस्ट वो वीविंग जो है वो कर नहीं सकते। तो लय हमारा उसी से शुरू हुआ, जबकि तबला और तबलिया प्रोवाइड करना हमारे लिए असंभव था। तो उतना हार्डशिप में भी हमारा इंटरेस्ट पैदा हुआ वीविंग करते करते, हम सारेगामा सागा रेमा रेसागामा तो ताल के साथ शुरू हुआ, और सारे सारेगा रेगा रेगामा, दो तीन छंद क्या है, 3-2-2 छंद कैसे होता है, 2-2 छंद कैसे होता है, तो ये हमें तब पता चला, मतलब शुरू धीरे धीरे वहीं से शुरू किया। तो फिर उतना हार्ड जो एक डिसीशन जो है, ये वन काइंड ऑफ गैम्बलिंग है,
कोई आजकल के ज़माने में किसी पेरेंट्स को लेना बहुत ही मुश्किल है। और साथ साथ अगर इधर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर का केस ले लीजिए, 16 साल उम्र में दुनिया उनको जानते हैं। अगर वो थोड़ा सा स्विमिंग भी किया, थोड़ा सा फुटबॉल भी खेला, थोड़ा सा स्विमिंग भी कर लिया तो नहीं बन सकते थे। तो उनकी डिटर्मिनेशन तो एकदम चुटपन में होनी चाहिए। तो मैं जो कहने जा रहा था कि संगीत रिसर्च अकेडमी जैसा संस्था है, ये संस्था किसी के अंदर अगर डिटर्मिनेशन है, अगर किसी पेरेंट्स का इच्छा है कि हमारे बेटा या बेटी को हम कराएंगे सही बहुत ऊंचे दर्जे तक, तो उसमें मदद बहुत ज़्यादा मिल सकता है ऐसे संस्था से। संस्था तो कोई कलाकार पैदा कर नहीं सकते, मगर मदद की बहुत ज़रूरत होती है। सही वक्त पे अगर मदद मिले तभी जाके कोई फाइनल एक जगह तक वो पहुँच सकता है। तो ऐसा संस्था अगर देश में और 10-20 पैदा हो तो लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही फायदा इसमें हो सकता है। मगर ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा संस्था ही कलाकार पैदा कर सकते हैं। ना कोई राजा बादशाह कलाकार तैयार किया, पैदा किया, ना कोई संस्था कर सकते हैं। मगर कोशिश जब किसी को